ज़्यादा इंशाल्लाह इसको बेहतर रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। सूद लेना हराम है, लेकिन देना और उसके ताल्लुक से जो भी यानी उसके काम में जो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करना या फिर हाउस बिल्डिंग जो लोन होता है गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए, तो उसके लिए कैसा है वो? देखिए भाई ने कहा सूद का देना तो हराम है, लेने का क्या मामला? तो देखिए सूद का लेना और देना और उसका लिखना, उसमें गवाही देना, ये तमाम चीज़ें हराम है, याद रखिए। और आप सुनिए, हदीस में फरमाया सूद का लेने वाला और देने वाला और इस पर गवाह बना, चारों भी गुनाह में बराबर है। भाई का सवाल था क्या देना कैसा है, बहुत से लोग बोलते हैं हम ले रहे नहीं भाई, दे रहे, लेकिन तो सूद का लेना और देना और उस पर गवाह बनना, ये सच गवाह दो होते हैं ना, तो लेने वाला और देने वाला और दो गवाह, ये चारों भी आपसे फरमाते बराबर है गुनाह के अंदर, एक जैसा गुनाह है। तो लिहाजा आप ना हाउसिंग फाइनेंस के लिए लोन लीजिए, ना व्हीकल के लिए लोन लीजिए, हैंड लोन लीजिए विदाउट, अगर सूदी विदाउट इंटरेस्ट लोन होते वो लीजिए, लेकिन अगर सूदी लोन है तो लेना देना लिखना गवाह बनना हिसाब करना काम करना, जहाँ 100% सूदी कारोबार होता है जैसे बैंक्स है, और ये यहाँ इजाज़त नहीं है, ये हराम है। आप बोलेंगे भाई मैं ले रहा कहाँ दे रहा हूँ, तो देना भी दुरुस्त नहीं। तो लिहाजा आप ऐसे लोन्स ना लें जो सूदी होते हैं, सूदी कारोबार पर होते, ऐसी जगह जॉब ना करें जहाँ सूद पर होता है। तफसीलात के लिए मेरा क्या बैंक में जॉब करना दुरुस्त है, इसी तरह क्या घर के लिए लोन लेना दुरुस्त है, मेरे तफसीली जवाब नेट पर मौजूद है, आप उसको देख कर इंशाल्लाह फायदा उठा सकते हैं। अच्छा